हेलो दोस्तों, मैं हूँ पायल वर्मा। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जो परिमेय संख्या दिया गया है, ये हमें परिमेय संख्या दिया गया है ऋण 3/8। इस परिमेय संख्या को हमको तुल्य परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना है। कब कब? जब अंश न्यूमिरेटर -6 होना चाहिए, अंश न्यूमिरेटर 12 होना चाहिए, अंश 12 होना चाहिए। हर जो है डिनोमिनेटर -24 होना चाहिए, इसमें डिनोमिनेटर -32 होना चाहिए। देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको जो फ्रैक्शन दिया है, रेशनल नंबर दिया है, उसको हम नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया है? -3/8 ये हमको दिया है तुल्य परिमेय, सॉरी ये परिमेय संख्या। अब हमको इस अंश में, अंश कौन सा होता है? ऊपर वाला होता है। इस न्यूमिरेटर को -6 में बदलना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -6/8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे कि उसके हर में सॉरी अंश में -6 होना चाहिए, -6 आना चाहिए। जिस नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -6 आने के लिए, उसी नंबर को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो -6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका अंश जो है -6 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, ठीक है। 3 × 2 = 6, ऋण 6 आ जाएगा। क्यों? यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, ऋण 3 × 6। अब ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए गुणा करें हैं, उसी नंबर से नीचे भी गुणा करेंगे, 2 × 8 = 16। ये जो है -3/8 का तुल्य परिमेय संख्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है। जब अंश जो है न्यूमिरेटर 3/6 होगा तब। अब देखते हैं इसमें न्यूमिरेटर जो है 12 होना चाहिए, अंश 12 होना चाहिए। नेक्स्ट के लिए फर्स्ट का है, नेक्स्ट में -3/8 दिया हुआ है, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके अंश में 12 आना चाहिए। अंश में 12 आना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे -3 दे दिया है। अब 3 × 4 = 12 होता है, 3 × 4 = 12 होता है, हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव दिया है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन को, तो ये ऋण और यहाँ पे धन, ऋण होता है। हमको दिया क्या है, अंश में धन में आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे हम -4 कर देंगे, -3 - 4, तब उसके न्यूमिरेटर में आ जाएगा 12। तो जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं, उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 4 = 32। तो यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका तुल्य परिमेय इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 12 − 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला है, डिनोमिनेटर हर जो है -24 आना चाहिए। थर्ड नंबर में -3/8 ये दिया हुआ है, -3/8 को हमको तुल्य परिमेय में चेंज करनी है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज करनी है, जब हर जो है -24 आना चाहिए, ऋण 24 आना चाहिए, ठीक है। अब इस 8 में हम क्या चीज को मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है हर है वो -24 आएगा, -24 आएगा। तो 8 के टेबल में 24 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में आता है। 8 × 3 = 24 आ गया, लेकिन इसमें कौन सा साइन है, माइनस में है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, हम जानते हैं प्लस 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 होता है। हमको लाना किस में, आंसर को माइनस में लेके आना है। तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, -24 हो गया। उसके बाद नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 से, -3 - पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस को हम डिनोट नहीं करते हैं, 3 × 3 = 9। तो इसका जो तुल्य परिमेय है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, वो क्या आ जाएगा,
9 अपॉन माइनस 24। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, इसका डिनोमिनेटर हर जो है माइनस 32 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, माइनस 3/8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसके डिनोमिनेटर में माइनस 32 आना चाहिए। 8 के टेबल में 32 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में आता है। तो हम यहाँ ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन क्या है, इसके डिनोमिनेटर माइनस में है। अब यहाँ प्लस 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 हो जाता है, तो हमको लाना है माइनस में, तो ये प्लस में ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे। तब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस किए तो ऊपर भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 3/4 = 12 अपॉन माइनस 32। इस तरह से जब न्यूमेरेटर माइनस 6 होगा तब उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर माइनस 6/16 हो जाएगा। जब न्यूमेरेटर अंश जो है 12 होगा तब उसका तुल्य परिमेय इक्विवेलेंट रेशनल 12/-32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जब हर डिनोमिनेटर में माइनस 24 रहेगा तब उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 9/-24। नेक्स्ट, हर डिनोमिनेटर जब माइनस 32 होगा तब उसकी तुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 12/-32। इस तरह से जब डिनोमिनेटर या न्यूमेरेटर दिया जाता है तब हम किसी रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं।